अस्सलाम वालेकुम जुतोई फैम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, बिंदास होंगे। बस अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ और नाश्ता जो है वो कल रात को हमने बाहर से खाना खाया था तो वो बच गया था, वही खाना खाएंगे। बहुत मजे का खाना खाना, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ क्या खा रहा हूँ। आज का सीन कुछ ऐसे है कि आपके भाई के जो हाथ के स्टिचेस थे वो रिमूव होने वाले हैं, पट्टी शट्टी मैंने उतार ली थी, बस जो स्टिचेस हैं ये रिमूव होंगे। अभी थोड़ी देर में हम लोगों ने घर से निकलना है और आरफा को हमने छोड़ना है मॉल, अपने स्टिचेस रिमूव करवाने हैं, फिर हमने जिम जाना है, आरफा ने अपनी शादी की जो भी शॉपिंग वगैरह थी वो करनी है। मेरा बेटा उस वक्त से सामान उठा उठा के रूम की दराज में से सारा यहाँ पे रख रहा है। आयरा सारा सामान उठा रही है क्योंकि आयरा को पता है कि आज आयरा जो है ना अपनी मामा या बाबा के साथ जो है वो नहीं जाने वाली। आज हमारी मेरी और आरफा की ये डेट हो जाएगी। आज बड़े सालों के बाद मेरा ख्याल है आरफा और मैं ना हम इकट्ठे कहीं जाने वाले हैं। आयरा का जो है वो हम छोड़ेंगे वो की तरफ, तो आयरा आज हमारे साथ नहीं होगी, आज बस मैं और आरफा ही होंगे। डाल दो ये सारा बैग आपने रेडी करके साथ लेके जाना है, ठीक है आयरा? पापा बाहर पॉलिटिक्स को लेकर फुल सीरियस हुए हैं, टेंशन में। पापा चाय पी रहे हैं बैठ के अकेले। पापा क्या कर रहे हैं? नहीं गिरती नहीं है, बिल्कुल एज पे आके चली जाती है वापस, गिरती नहीं। मुझे पता है तेज है बड़ी, अब छेड़ के तो भागती है। हाँ आयरा मजा आ रहा है। कहाँ जा रही हो? ओ भाई वो तैयार हो गई है, रुकती है छुट्टी टाइम। बाय बाय कर दो आयरा, आप जा रहे हो आयरा। नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, कल हमने बाहर से ये चिकन खाया था। कल जो खाना बनाया था कल उतना मजे का नहीं था, कढ़ाई मतलब उतनी मजे की नहीं थी, तो उससे पहले जो थी कढ़ाई बहुत मजे की थी। आज भी हमने खाना बाहर से खाना है तो देखते हैं क्या खाते हैं आज। अरे शोखी महंगी पड़ गई, सर्जरी वाले हाथ में दर्द निकल आई है। चलो बाय 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 बाय, मुझे नहीं मुझे बाय बाय नहीं करना, अभी को बाय बाय करना है। उसको पता क्या आप लेके जाओ अभी बाय। चलो आ जाओ भाई जान, जदों भी घरों निकली था ना फ्रेश 500 रुपए का तेल पवाईदा है। हुण असीं जा रहे हैं आयरा नूं छड्डन, क्या पंजाबी खत्म हो गई है, तो आयरा को हम छोड़ने जा रहे हैं फुफो की तरफ। टाइम आ गया बेबी, बेबी आप जा रहे हो आयरा? आयरा को कौन लेने आ रहा है? आयरा की मेरी फुफो मतलब आयरा की दादी, आयरा की दादी लेने आ रही है। अच्छा यूसुफ आ गया, बाहर खड़ा हुआ, उसका समझ ही नहीं आ रही है कहाँ देखा उसने। ले जाओ इसको, आ जाओ। दूध भूल गई, बहुत अच्छे बहुत आला यार, मतलब सबसे मेन चीज आप भूल गई। अच्छा दूध भूल गया आयरा का, और अभी हम दूध लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, दूध लेके फिर इनको वापस ड्रॉप करना है। अब हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है और अब आप लोगों को पता है हम कहाँ जा रहे हैं। टाइम फॉर सम पेन, आयरा कैसा फील हो रहा? नहीं उस बारे में नहीं, मतलब आज तुम्हें इतनी देर के लिए आयरा को छोड़ना पड़ेगा 5-6 घंटों के लिए। डॉक्टर ने पूछा कि भाई कितने दिन हो गया, तो मैंने उनको कह दिया कि 9 दिन हो गए, लेकिन वैसे लास्ट थर्सडे को हुआ था तो टेक्निकली 7 दिन हुए हैं। कोई पेन शेन नहीं है, बस हल्की सी ना वो जरा थोड़ी सी जो जलन जो होती है, या थोड़ी सी स्किन खिंची हुई थी ना इतनी देर से, अकड़ी हुई थी स्किन, तो बस उसका जो थोड़ा सा पेन है वही पेन है। चलें जी मॉल हम पहुंच चुके हैं और आरफा बेगम को हम उतारने वाले हैं। आरफा रेडी? चलो ओके। अच्छा मुझे बैलेंस भेज दे, मैंने आयरा का बार बार पता करने कॉल कर दिया। ओके कब? हां ये पार्किंग, हां ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाता हूं। ओके बाय, आपके पॉलीफैक्स। बाय बाय। हां पॉलीफैक्स रहने दो, पड़ी रहने दो। बाय 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 बाय। मैंने ना अभी एक बड़ी हैवी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन देखी जिसका मुझे आज तक आइडिया नहीं हुआ, और वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इस मॉल के अंदर। मॉल के बाहर देखा, एक साइड है गाड़ियों के लिए, एक साइड है जहाँ से बाइक्स वगैरह गुजर सकती, तो जो बाइक वाली जगह है ना वहाँ पे वो लड़कों को अंदर नहीं जाने दे रहे, वो कह रहे हैं कि आज फैमिली डे है, और जहाँ पे गाड़ियां अंदर जाती है वहाँ पे लड़के अकेले भी अंदर जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं।
अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो और क्या है? मतलब जो गाड़ी वाला जो अमीर है वो शरीफ है, वो गाड़ी में लड़का अंदर जाके जो मर्जी हरकतें करे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़का बाइक में यहाँ पे आता है क्योंकि वो गरीब है और उसके पास बाइक है, वो गाड़ियों वाली जगह से अंदर नहीं जा सका, तो यहाँ पे उनको लगेगा जी कि ये कोई पूंडी करने आया, कोई बगैरती करने आया, उसको अंदर नहीं जाने देंगे। ये बड़ी अजीब और गरीब सी बात मैंने आज नोट की है, तो मुझे बताना आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, ये ठीक है या गलत है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। खान यार जफियां बाद में डालना, चिंगारियां बाद में निकालना, पहले मैं बताओ ये आज मैक्रो बंद हो रहा है, लास्ट डे इसका यहाँ पे। मंडे लास्ट है, मंडे लास्ट है, मंडे नहीं, तूने मुझे कल कहा था लास्ट डे, और तूने इसी तरह से मेरे से पैसे भी एडवांस में ले लिए, समझ आए? हाँ हंसना, फेयरवेल पार्टी दे आज आप लोग, तू हमें दे भाई, तूने हमें फेयरवेल देना आज, जा मैं आ रहा हूँ आप लोगों ने देनी। Six hours later. यार जिम से फ्री हो चुका हूँ, अभी मैं आया हूँ आरफा को पिक करने के लिए। जिम में आज टोटल एक क्लाइंट आया, तो 5 घंटे मैं जिम में बैठा हूँ, लेकिन टोटल एक क्लाइंट आया। मेरा ख्याल है शायद ये धरने वगैरह की वजह से या मैचेस जो चल रहे हैं उसकी वजह से। ऊपर से शादियों का सीजन है तो लोग वैसे ही जो है ना वो कोशिश करते हैं कि जिम ना ही करें, शादियां जो है वो ज्यादा एंजॉय करें। किसी को अपनी सेहत की परवाह ही नहीं है यार, जिम ही किसी ने नहीं आना भाई। अभी ये पता नहीं है कि आरफा नीचे आती है या फिर मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि ऊपर आना, तो अभी उसको कॉल करके पूछ लेते हैं। हाँ जी मैं नीचे खड़ा हूँ यार, क्या सीन है? ऊपर कहाँ आ जाऊँ यार, तुम आ जाओ ना, चलें क्या करना, जलील करना मुझे है, सूट दिखाना? अच्छा चलो आ रहा हूँ। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना। रब खवारी से हम लोग बच चुके हैं, क्योंकि आरफा ने आने से पहले ही जो है ना सारी की सारी शॉपिंग कर ली थी, मुझे सिर्फ आयरा के कपड़े उठाने पड़े। कपड़े लिए आरफा ने, इसमें आरफा के और आयरा के हैं, और आपका भाई एज यूजुअल अपनी चड्डी में जाएगा, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं है नए कपड़े लेने का। ले लेंगे यार कपड़े, ले लेंगे, मांग लूंगा किसी से। बताओ न्यू बेबी में मुझे उसकी तस्वीर देख रहा था। किसका किसका बेबी? नहीं मुझे मेरे घर हुआ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह 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 चावल लेते रहते हैं, उसके घर में खुशखबरी हुई है, तो वो उसके चक्कर में इतना खुश हो रहा था कि उसको ऑर्डर की ऑर्डर सुन भी नहीं रहा था, उसको ऑर्डर की समझ भी नहीं आ रही थी कि ऑर्डर क्या लें। उसके घर में ना बच्चा पैदा हो रहा है, अभी 4 बेटा हुआ है, तो वो कभी ऊपर मोबाइल की तरफ देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है। बंदा भी बहुत अच्छा, चावल भी खुशी में कैसे ले गया? चावल खुशी में, वो सही ऑर्डर ही ना दे, पता चले उधर जाके कढ़ाई दे दो। ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ना, इस मार्केट के अंदर दुनिया की आपको हर चीज मिलेगी। क्या बोलते हैं आरफा इस मार्केट को, क्या बोलते हैं आरफा खाने में मसरूफ है, इसका नाम बताओ, मार्केट का नाम क्या? चुंगी अमर सद्दू। मार्केट बड़ी अच्छी है, लेकिन ये जो सड़क है ना, ये भाई ऐसी सड़क है, यहाँ पे आपको 2 की स्पीड पे गाड़ी मोटरसाइकिल चलानी पड़ती है। खाना वाला आपने जो भी खाया हो ना, खाना हजम हो जाता है। मैंने तो खाना खाया ही नहीं, मेरा हजम क्या होना, मेरा जो है वो भी निकल जाना। भाई हमारी डेट नाइट होनी थी, मतलब हम दोनों को एक साथ खाना खाना था कैंडल लाइट डिनर के अंदर, तुमने अकेले अकेले खाना खा लिया। यार मेरे सवाल का आपने अभी भी जवाब नहीं दिया, हमारी ये डेट नाइट थी, हमने दोनों ने एक साथ खाना खाना था, अब आपने अलग से खाना खा लिया, मैं अलग खाऊं? मैं बर्गर बच्चा हूँ तो मैं बर्गर खाऊंगा। आप बर्गर खाऊंगा? हाँ, और आप बर्गर बच्ची नहीं है तो आप बिरयानी खा लेंगे। मुझे देसी के अलावा मैं कुछ नहीं खा सकती। यार देसी तो मैं भी खा लेता, लेकिन कल भी तो देसी खाया ना, आज कुछ थोड़ा सा एंग्लिश हो जाता तो अच्छा होता। अभी हम पंजाब सोसाइटी के अंदर रुके हैं, यहाँ पे एक सस्ता स्टेक वाला था, तो मैंने सोचा कि वो जो स्टेक है ना वही खा लेते हैं, या कुछ लेस एक्सपेंसिव चीज खाएं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से ना मुसलसल बाहर से खाई जा रहे हैं, और बाहर से खाना फिर इतना महंगा होता है कि मैं तो जो खाता हूँ वो थोड़ा ज्यादा ही महंगा हो जाता, तो जेब पे बड़ा भारी पड़ रहा है। मैंने सोचा कि सस्ता 200-400 रुपए वाला स्टेक जो है ना वो खाते हैं। क्या बोला तूने? 200-400 रुपए वाला स्टेक। चलो खाने की बात हो ही रही है, तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, जाहिद नाम है उनका, उन्होंने अभी ना रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें पापा खाना बना रहे हैं, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो जाके चेक कर लेना, उनको भी सब्सक्राइब करना। और यहाँ से मुझे एक ख्याल आया कि पापा और मम्मा दोनों ही इतना कमाल खाना बनाते हैं कि जब लॉकडाउन वगैरह लगा था तब भी हमने ना एक इंस्टा पे पेज बनाया था, और हम उस पे फ्राई फूड तब बनाना शुरू किया था, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उसका। वैसे मेरी अम्मा के और मेरे अब्बा के हाथ में कमाल का टेस्ट है, सारा खानदान जो
है ना कोई झूठ नहीं है इसमें। मेरा खानदान जब भी खाना खाता है ना वो वाकई उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये बताओगे अगर मम्मा और पापा का दोनों का कंबाइन एक चैनल बना दें कि दोनों उस पर रेसिपी शेयर कर रहे हैं, शुगर लगा रहे हैं, जो भी मम्मा पापा का आपस में जैसे भी सीन होता है, जो भी प्यार है, तो अगर हम ऐसा करें तो वो कैसा रहेगा? ओके चैनल जो है वो बनाएं और फूड से रिलेटेड ही होना चाहिए या किस तरह का होना चाहिए? मजेदार मुझे चावल खिला देना हमें। कोक देख लो, कोक जीरो। देखा तुमने, मैंने तुम्हें कहा था तुम अच्छा खाना तुमने मिस कर दिया। अब तो यार आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने कहा बर्गर खाऊंगा, मैंने कहा बर्गर तो मैंने नहीं खाया। यार देखो बर्गर हो या कुछ भी हो, आप मुझे ये कहते हैं स्टेक। अच्छा आज आज इस पे से ना वो वाली आवाजें नहीं आ रही, वरना ये जब आता ना वो आवाजें आ रही होती है। खैर अभी मैं ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ। मैं भी खाऊंगा। थोड़ी कुर्सी को पीछे कर ले। जस्ट होप के पहले सानू की सानू तो टेस्ट दे ना, मतलब और टेस्ट मजे का, टेस्ट मजे का। यूसुफ आप गलत जगह पे ले आए हो यार, हमें गलत जगह पे आपने खड़ा कर दिया है, आपने गलत एड्रेस बता दिया, उसको देखो जरा। वाली बात, घर पे तो आप होनी नहीं बांधते हैं। आयरा खुशी देखो जरा उसकी। आए ना पोनी तो चेक कराओ। आए 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 अब मजे आएंगे। आए आए और देख तू क्या करती है, क्या कर रही हो? मैं जो उठा सकता हूँ मैं उठा लेता हूँ। थका दिया बेगम ने, बहुत थक गया यार मैं। लेकिन ये वो थकावट है जो बगैर काम की होती है। आपको ये थकावट होती है? मैं तो अगर काम ना करूँ तो मैं तब भी थक जाता हूँ, अगर ज्यादा काम कर लूँ तब भी थक जाता हूँ। तो आज थकावट जो है वो आलसी वाली थकावट है। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अभी हम चाय शाय पियेंगे, वीडियो एडिट करेंगे और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।